हे गाइस दिस इज़ विनीत हियर वेलकम टू माय चैनल सो कल मैंने ये चार क्विजेज़ आपके साथ शेयर किया था कम्युनिटी पे और टेलीग्राम ग्रुप पे इंग्लिश के सो so, आप में से आप काफ़ी लोगों ने ये टेस्ट दे दिया है मुझे स्कोर्स भी आपने बताए काफ़ी लोगों का ख़राब भी है काफ़ी लोग का अच्छा भी है सो so, मैं अभी ये दे के आपको दिखा देता हूँ आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगा आपके अप्रोच और स्ट्रैटेजी में कि कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो ये वाले टेस्ट है कुछ कुछ टेस्ट अभी फिलर्स हो गए मिस स्पेल्ट वर्ड्स हो गए ये वाले जो टेस्ट होते हैं इस पर आपके वोकैब vocab, वोकेबुलरी टेस्ट होती है तो वो कैब आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके लिए बाकी जो है पैराजल और एरर डिटेक्शन भी है अभी जो हम देने वाले हैं आपने अगर नहीं दिया होगा तो दे देना कम्युनिटी पे लिंक्स है और मैं अभी भी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक है सो so, इसमें पैरा पैराजल में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए आप अगर रीड अच्छे से रीडिंग आपने किया है, तो आपको समझ में आएगा क्या ऊपर क्या नीचे आएगा क्या फर्स्ट स्टेटमेंट होगा क्या लास्ट स्टेटमेंट होगा एंड एरर डिटेक्शन में तो आपको पता ही है मैंने बोला है आपको वीडियो से आपको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए वो हो गया तो आपको टेस्ट लगाने चाहिए जितना हो सके उससे क्योंकि आपके ग्रामर रूल्स भी ऑलमोस्ट सब कवर हो जाते हैं एरर डिटेक्शन के थ्रू सो so, अगर आपने अलग से नहीं किया है तो आप एरर डिटेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं ग्रामर रूल्स मैंने वैसे ही किया था सो so, अभी के देखते हैं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि लेवल कैसा है काफ़ी लोगों को कम भी आया है एरर डिटेक्शन बोल रहे थे बहुत लोग टफ है पैराजंबल भी टफ़ बोल रहे थे सो so, देखेंगे बाकी मिसपेल्ट वर्ड्स में अच्छा किया है स्कोर लोगों ने सो so, ठीक है देखते हैं अब हम द कांग्रेस नेम्ड फिलऑफ द ब्लैंक ये ठीक से हमेशा पढ़िएगा जो भी बाजू में लिखा है तो ये नॉर्मल फिलअप ही है फिलर है The Congress named Mr. Gandhi on its first list as its candidate for Amethi, UP, and then the demand by the party was clear that and cannot come in that he dash from these states too, that he participate, नहीं ये तो नहीं होगा contest होगा क्योंकि देखो election का जब बात आता है तो आप याद रखो कि contest ही करते elections और contest contest elections होता है ठीक है contest और or... इलेक्शन साथ में चलता है हमेशा तो इस वाले फिलअप में कांटेस्ट सही आएगा सो कांटेस्ट बीजेपी हैज बिन विनिंग सेवरल सीट्स इन द स्टेट इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन तो द कांग्रेस मोजी मोगा बीजेपी डिड बेटर इन दिल्ली सीट्स इन 2000 थाउजेंड द बेस्ट डैश ऑफ द कांग्रेस आफ्टर नाइनटीन तो ये तो बहुत बेस्ट वेरिएशन इंटरक्शन इंस्टॉलमेंट तो ये तो इजी दिख रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस की ही बात हो रही है कि उनका पूरा आप देख रहे हो बेट डेड बेटर ये सब सब बताया है सो so, परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस फाइल द पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस आई जस्ट वाच दिस हाइल कोर्ट नॉट डैश द मैटर एज द सुप्रीम कोर्ट वाज ऑलरेडी लुकिंग इनटू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो हाई कोर्ट डिड नॉट कंक्लूड कंक्लूड तो कंक्लूजन का होता है तो ये तो नहीं आएगा परफॉर्म तो नहीं होगा डिड नॉट इंटरफियर इन द मैटर एज द सुप्रीम तो इंटरफियर होगा तो आप मतलब समझिए सेंटेंस का क्या बोल रहा है हाई कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया क्यों नहीं किया इंटरफियर मतलब बीच में नहीं घुसे बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑलरेडी लुकिंग इन टू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उस केस पे एक्ट कर रहा था सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंटरफियर

लो लोकेलिटी बिल्डिंग्स भी नहीं होगा सी so, शो या कोस्ट लाइन ही होगा फिशरमैन mm. well okay, जो रहते हैं वो कोस्ट लाइन से रिलेटेड रहते हैं ठीक है सो so, वो कोस्ट लाइन भी ना बिगड़े ये प्रोजेक्ट से इसके लिए दे आर दे हैव मूव्ड टू बॉम्बे हाई कोर्ट सो आंसर वुड भी कोस्ट लाइन द डायरेक्शन केम इन डैश टू आ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आर टी आई टू द चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टमर्स नंबर डायरेक्शन केम इन व्यू चांस तो नहीं होगा इन रिस्पॉन्स ठीक है किसी को रिस्पॉन्ड करना किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं हम रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पॉन्स देते हैं तो वही हुआ है ये डायरेक्शन जो कुछ आया होगा वो एक रिस्पॉन्स में आया टू अ आर टी आई ओके तो रिस्पॉन्स विल बी द करेक्ट वर्ड हेयर ट्राई कम्प्लेन ट्रेडिस इंडिविजल टेलीकॉम रजिस्टर विद द विदेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स रिगार्डिंग एनी अनसोलिसिटेड ठीक है ये वर्ड आप बहुत बार एस एम एस में भी आपने देखा होगा अनसोलिसिटेड आता है तो ऐसा कुछ है तभी अनसोलिसिटेड ही करना है इन्वाटेड एनकम्बर्ड इन्वेंटेड तो बहुत ही एब्जर्ड है अनसोलिसिटेड एकदम परफेक्ट है इसमें परफेक्टली बेटर है स्पैम जो होता है बेसिकली स्पैम जो होता है वो अनसोलिसिटेड मेल्स बोलते हैं उनको ठीक है सो so, ये वर्ड को याद रखिएगा कांग्रेस नाउ हैज़ मोर वर्क टू कम अप स्ट्रेटजीज टू कैपिटलाइज ऑन द इशू टू डैश वोट्स इन फेमर स्वे स्वे ठीक है स्वे ही होगा आंसर मेटिकुलस तो नहीं होगा ब्रस्क भी नहीं होगा पंक्टिलियस भी नहीं होगा इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता बट स्वे मतलब क्या होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना ठीक है मतलब इधर उधर करना इन्फ्लुएंस करना तो इस केस में स्वे सही है एकदम तो वो अपने इन्फ्लुएंस करना चाह रहे अपने वोट फेवर में ठीक री है कर्नाटका द रीनेम रीन अप्रूव टू रीनेम हैदराबाद ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मूवीज टू डू नो अवे विथ एनी डैश ऑफ कलोनियन टू ठीक है ड्रबिंग तो नहीं होगा ड्रबिंग इज रिलेटेड टू आई थिंक डिफीट डिफीट ऑफ तो नहीं होगा स्नाफो हो का मीनिंग मुझे याद नहीं है तो ठीक है ये पता नहीं रेमिनेंस रेमिनेंस होगा ठीक है रेमिनेंस मतलब रिमेन्स उसका जो भी नामों निशान है वो लोग नहीं रखना चाहते कलोनियल कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स का ठीक है इसके लिए वो लोग लो नाम चेंज कर रहे थे करेक्ट वर्ड आप ध्यान देना जो भी है स्टेटमेंट्स उस पर और वर्ड्स पे और याद रखना ये सब चीफ ,00 तो नहीं होगा सोलाटियम होगा ठीक है सोलेस बोलते हैं उनको मतलब राहत देना थोड़ा राहत देना ठीक है इनकम्बेंट तो आपने देखा होगा जीए में किसी को रिप्लेस करते हैं तो जो है उनको इनकम्बेंट बोलते हैं पीपल इंक्लूडिंग जो ऑलरेडी चार्ज में इनकम्बेंट बोलते हैं उनको इलेवन पीपल इंक्लूडिंग सेवन चिल्ड्रेन द सेम फैमिली आफ्टर डाउंडर द्हिकल डैश इन टू कैनड इन पाकिस्तान मोबलाइज नहीं होगा आफ्टर देर वहीकल फॉल फेल होता तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं सबमिटेड प्लन्ड प्लज मतलब आ, नीचे चला गया ठीक है फॉल या डाइव ठीक है प्लस्ड सो ठीक है ये हो गया सबमिट कर देते हैं ठीक है इतना भी मुश्किल नहीं था इसमें पाँच के पाँच छः के ऊपर तो आपको बिल्कुल आना चाहिए तो इसमें छः के तो आना चाहिए था सबको मतलब पाँच के ऊपर छः के ऊपर तो आना ही चाहिए था नाइन्टी परसेंट तो ठीक है आप देख सकते हैं फुली आया है इसमें तो इतना मुश्किल नहीं था ये वाला इसमें मैं तो बोलूँगा इवन बिगनर्स शुड गेट फाइव प्लस तो ला सकते थे और जो ऑलरेडी hmm. कर रहे हैं उनको अराउंड सेवन तो आ सकता था ऐसा कुछ ही वर्ड्स थोड़े वैसे थे अदरवाइज नॉर्मली ही था ऐसा बहुत गाइडली के हिसाब से बहुत हार्ड नहीं बोलूँगा मैं तो इतना तो लाना चाहिए था बट नाइन्टी परसेंट एज अचिवेबल था इसमें ठीक है तो आप देख लेना क्या गलत हुआ है कहाँ गलत हुआ है वो कैब याद करना जो भी वो कैब आपने देखा है उसको याद कर लेना रिमेंबर इट प्रॉपरली ठीक है कैसे भी याद कर लो अच्छे से वर्ड का मीनिंग और ये जो भी एक्सप्लेनेशन में दिया होगा वो देख लेना जो भी गलत हुआ है और जो मैंने बताया वो देख लेना सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ मैं तो हमारा सिंगल फिलर्स हो गया तो ये बंद कर देता हूँ तो अब नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन एरर स्पॉटिंग तो अब हम एरर स्पॉटिंग करके देखते हैं गाइडली के एरर स्पॉटिंग से तो मुझे भी डर लगता है देखते हैं ये वाला पिछले बार जो हमने ऑनलाइन पिछले बार जो हमने लाइव दिया था उसमें तो काफ़ी ऑप्शन वैसे थे बी सी डी ए बी वैसे वाले थे अब इसमें देखते हैं सो so, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे प्रैक्टिस डेट ईयर दिस ईयर विल बी फॉर लॉबी तो फॉर तो नहीं होगा ये टू होगा क्योंकि ये वर्ब है तो इन्फिनेटिव आपने सुना होगा टू प्लस वर्ब होता है ठीक है तो टू होगा तो ए में फॉल्ट है एंड वर्क बी में भी ये वर्क होना चाहिए पैडलिज़म फॉलो होता है ठीक है तो ये दो कैसे गलत है हैजेंट हैव एन एरर वही मैं बोल रहा था आपको शुरू में कि हमेशा इंस्ट्रक्शंस देख लेना बहुत लोग ने इसमें भी गलती किया होगा मे बी इसके लिए बहुत कम मार्क्स दो तीन मार्क्स देखे मैंने ठीक है तो इसमें हमें ऐसा पार्ट चूज़ करना है जिसमें एरर नहीं है ठीक तो है तो ए में एरर है इधर वर्क आएगा and एंड वर्क विद स्टेक होल्डर कंज्यूमर ग्रुप एफ सी टू एनश्योर डेट इकोनॉमिक हार्मूडेड इन द अपकमिंग सेफ तो सी सही है ठीक है टू प्रोवाइड ग्रेटेस्ट जब भी ऐसा रहता है ना ये सुपरलेटिव बोलते हैं जैसे गुड बेटर बेस्ट तो ये सुपरलेटिव डिग्री होता है और so, सुपरलेटिव के पहले हमेशा जो भी सुपरलेटिव में है उसके हमेशा पहले द आएगा ठीक है तो ये द ग्रेटेस्ट होगा आई होप आपको समझ में आया होगा ये तो सी इज़ द करेक्ट वन बाकी सब गलत है सब में डजेंट है एमर्ज ऑफ तो ये एमरजेंस होगा इधर एमरजेंस आएगा तो ए गलत है राइज इन इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन इंडियन डिफेंस तो बी सही है बाकी मैं नहीं देख रहा एंड ऑल्सो कंपनी टू और नहीं होता चलिए बता देता हूँ ये टू नहीं होता कंपनी है, reasons बोला है तो ये आर आता ठीक है सो बी इज द करेक्ट आंसर इंडिया कैंसल्ड इंडिया कैंसल्डमेंट तो इसमें कोई एरर नहीं है तो ए ही होगा इन ट्वेंटी डिससेटिस्फेक्शन डिससेटिसफाई तो verb हो गया ना तो इसके आगे टू आता अगर कुछ ऐसे रहता तो डिससेटिस्फैक्शन होगा तो B हो तो गलत है इन है एबसेंस ऑफ ठीक है द के बदले द के बाद एबसेंस होगा कि डेट वुड बी फिट्स नहीं बी फिट होगा ठीक है सो एज साइंट फर्स्ट स्क्रैम्बल टू फिगर ठीक है इसमें भी ए सही है टू फिगर ऑफ नहीं फिगर आउट होता है ठीक है फिगर आउट द नेवर बिफोर आई वॉज प्राइम टू फॉलो देअर वर्ब जो होता है ना वर्ब ये वर्ब होता है अडवाइज ठीक है जैसे प्रैक्टिस बट इधर देर है तो इधर नाउन आएगा तो नाउन में एस नहीं आता नाउन में सी आता, आता है अडवाइज होता है ठीक है तो ये गलत है बेस्ड ऑन मोस्ट मोस्ट नहीं मोस्टली होगा अडवर्ब ठीक है सो ए जर्मन लग्जरी कार ब्रांड ऑडी ऑन मंडे स्टेज द ग्लोबल लॉन्च ए सही है ऑफ ए न्यू इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल बी भी सही है तो ऑल आर करेक्ट भी हो सकता है ऑन द होम होम अ डील इन कारपोरेक्ट ठीक है अब क्या है फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है इंटरनेशनल ठीक है ए सही है पेट्रोल प्राइस वॉज इंक्रीज बाई ट्वेंटी सेवन पैसे पर लीटर बी भी सही है तो ये और ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो डी एंड डी में ही चेक करना है ये तो कोई सेंटेंस है नहीं तो डी हो जाएगा तो इसमें देख लेते हैं क्या एरर है इन दिल्ली पेट्रोल रेट्स क्लाइम्ड फ्रॉम नहीं क्लाइम्ड फ्रॉम नहीं क्लाइम्ड टू रुपीज नाइनटी एट ठीक है या इंक्रीज बाय जैसे इधर लिखा है वैसा रहना चाहिए था ठीक है तो डी द दर ट्वेंटी ट्वेंटी ब्लॉक बस्टर फॉर प्राइवेट कंपनीज ठीक है ये सही है ई कॉमर्स टोल मच ऑफ द थंडर एज दंडर वैल्यूएशन अप ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये भी सही है दिस इज ड्यू टू द मैस डिमांड फॉर फूड डिलीवरी ये भी सही है ए बी सी सही है डी चेक इन यू एस एंड चाइनीज स्टॉक मार्केट्स टेक्नोलॉजी कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग मैसे प्रॉफिट्स फॉर द इन्वेस्टर्स नाउ इट लुक्स लाइक इज गो सब सही है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया अनाउस्ड डेट इट्स वन ट्वेंटी फाइव सी सी होंडा शाइन क्रॉस ठीक है लॉस दंडीज द मोस्ट एक्सपेंसिव द्रांड इन द कंट्री ठीक है ए और बी सही है तो ये ये नहीं होगा

इंडिया की बात हो रही है अपनी कंट्री की पोजीशन जो भी हो तो apostrophe आता है अ नंबर हो एक्सपेक्टेड टू फॉलो देन तो पैक शेड्यूल एसआईए वेस्ट इंडीज ऑल बीन एक्शन इन द इन इनकंबेशन मॉड्यूल ठीक है दो आसान लेसन होगा ऑलरेडी विथड्रॉन ये भी ठीक है लेसन हो जाएगा सब सही है ठीक है ठीक है, है, right, है मैं एक्सप्लेन करने का चक्कर में पूरा कर नहीं पाया तो नो ही कर पाया देख लेते हैं वो क्वेश्चन जाके कि, कि क्या हुआ सो so, नो अटेम्प्ट किया था मैंने एक आई थिंक गलत हो गया बट परसेंटाइज अपना टारगेट मैच टारगेट जो था वो अचीव हुआ है स्कोर ये आया लगता है एक गलत हो गया है एक इनकरेक्ट हो गया बट रैंक ठीक है तो हम देख लेते हैं एक बार जाके क्या गलत हुआ है मेन एम है आपको समझाना मेरा मेरा एग्ज़ाम सब हो चुका है अभी भी मैं दूंगा तो अभी भी मैं वापस अच्छा कर लूँगा मेन लेकिन मैं समझा रहा हूँ जितना समझा सकता हूँ नाइन्थ वाला मैंने कुछ गलत कर दिया री अटैम्प्ट डाल देते हैं देखते हैं जल्दी जल्दी में क्या किया मैंने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टू अरे यार इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने ये देखिए नंबर ऑफ़ ओवरसी स्टार इज़ नहीं आ आएगा ठीक है तो ये मिस्टेक कर दिया मैंने बाकी तो सब सही लग रहा था तो आई थिंक ओनली ये होगा तो यस ठीक है तो ये नंबर ऑफ़ ओवरसी स्टार था तो इधर आ रहा था इसके बदले ठीक है तो ये जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया टेंथ वाला देख लेते हैं अब टेंथ वाले में रेट्स आट ऑलरेडी क्रॉस देश विद दी तो ये सही है ए सही है अ लीटर ऑफ पेट्रोल इन मुंबई नाउ कम्स फॉर रुपीज़ ये एंड डीजल प्राइस ठीक है फ्यूल प्राइस डिफर फ्राम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन द इंसीडेंस ऑफ लोकल टैक्सीज सच इज वैट एंड ठीक है ए बी सी सही है तो ए सी ए सी तो डी ही बाकी है ई e का तो ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन में देखिए ई e नहीं है तो ई e देखेंगे ही नहीं राजस्थान लेवीज हाइएस्ट तो देखिए ये मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द आएगा तो इधर जो सुपरलेटिव डिग्री है वो देख सकते हैं आप हाईएस्ट है तो हाईएस्ट के आगे द आएगा तो राजस्थान लेवी इज द हाइएस्ट ठीक है तो ये गलत है ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा ये तो डी हो जाएगा आंसर सी ठीक है तो ठीक है टारगेट अचीव हो गया इसमें मुझे लगता है आप कितना स्कोर कर सकते थे अगर मैं बोलूँ तो आपको फाइव टू सिक्स तो आपको लाना चाहिए था आउट ऑफ टेन इतना आप ला सकते थे हाँ जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा टफ़ लगा होगा ये इजी नहीं था इतना बट इतना आप ला सकते थे मैं बोलूँगा मेंस क्लर्क मेंस लेवल क्लर्क मेंस में आपको ऐसे कभी कभी देखने मिल सकते हैं ये वाले टाइप के करेक्ट बोल देंगे या इसमें एरर वाला बोल देंगे नॉर्मल बट इतना ईजी भी नहीं था कि डायरेक्ट पता चल जाए मैं समझा रहा हूँ तो आपको ईजी लग रहा होगा बट लेवल था अच्छा लेवल था जैसे काफ़ी लोगों ने बताया सच में वैसे ही लेवल है ठीक है सो आई होप आपको समझ में आया होगा तो अब दूसरा अटेम्प्ट करते हैं दूसरा क्या है दूसरा है मिसपेल्ट वर्ड ठीक है तो ये अब स्टार्ट करते हैं ठीक है ये ये ईजी होता है अगर वो क्या अच्छे से आता है तो फैमिली इसमें कुछ है नहीं ना इंस्ट्रक्शन द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग ठीक है स्पेल टू अडी आंसर है ठीक है फैमिली कंट्रोल कंपनी सरपास पीयर्स बिकॉज सरपास सही है पीयर्स सही है बिकॉज दे फोकस ऑन रियंस ये भी सही है ये गलत है फोरगो का स्पेलिंग ये होता है ठीक है तो ये याद रखिए मीन वाइल अ स्पेट ऑफ न्यू मैगजीन्स स्पेट मतलब बहुत सारा ठीक है कंटिन्यूसली बहुत सारा कुछ नया निकलना तो ये सही है और टू सर्वन अनप्रेसिडेंटेड भी सही है भी सही है जॉकिंग मतलब आई थिंक जॉकिंग का स्पेलिंग ये होता है ई आता है ठीक है तो ये गलत है नॉट ओनलीज द एडिटरशिप ये सही है नेवर रिवर्टेड टू फैकल्टी हैं डेरी लिख दिया ये ये गलत है ठीक है सबसे डेरी का स्पेलिंग क्या होता है ये होता है डी आई ए आर वाई ठीक है तो ये ध्यान से देखना है ये इजी था एसोसिएटेड विद द सक्सेस डबल सी ये सही है पर द ये गलत है एक्सेस में डबल सी नहीं आता है एक ही आएगा ठीक है एक ही सी आएगा इधर डबल है द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूली अभी सही है द बिजनेस दीड कॉम्प्लीमेंट ये गलत हैर्पेलिंग गलत है ऐसा होता है ठीक है So, ये आएगा डिस्पैरिटीज ये भी सही है डायरेक्ट कॉलेज डायरेक्ट लैक ऑफ एक्सेस टू इकोनॉमिक ये देखो ये गलत है अपॉर्चुनिटीज का स्पेलिंग ये होता है तो ये यू के बदले ओ आएगा सो so, ठीक है अभी तक मैं नहीं बोलूँगा कि टफ है ये इजी है अभी तक तो ये कॉमर्स सही है इन द इनिशिएटिव ये भी सही है तो तो फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी भी सही है टू तो कमेमोरेट ठीक है सेलिब्रेट और ये जो करते हैं तो अपने जीए में देखा होगा बहुत बार कॉइन बनाते हैं कमेमोरेट पे, तो ये भी सही है तो ऑल आर करेक्ट the report has identified three trajectories for the next surge of economic growth transforming agriculture and doubling farmer income तो so, ये आप देख सकते हैं गलत है लीवरेज का स्पेलिंग ये होता है ठीक है तो ये गलत है फार्मर्स नीड टू बी ट्रीटेड एज एग्री ऑनटरप्रनर्स सही है एक बार वापस देख लेते हैं प्रेनर... अच्छा ये गलत है सॉरी ऑन्टरप्रनर्स का स्पेलिंग क्या होता है पी आर ई एन ई यू आर एस ये यू है देखो बहुत अच्छे से देखना पड़ता है स्किप हो गया था

इसमें मैं बोलूँगा आपको नाइन्टी परसेंटाइल बिल्कुल आना ही चाहिए इसमें कैसे भी लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया अभी एट पॉइंट फाइव नाइन मैंने नाइन्टी नाइन परसेंटाइल भी देखा है जिन्होंने मुझे सेंड किया बट कम भी किया है कुछ कुछ लोगों ने तो फिर आपको ठीक है मतलब काफ़ी लोगों ने आप देख सकते हो फुल आया है इसके बाद भी मेरा रैंक फुल लाने के बाद भी सेवन है बट परसेंटाइल हमारा टारगेट इसके लिए मैं नाइन्टी प्लस बोलता हूँ अगर वो आ रहा है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा अगर वैकेंसी नॉर्मल भी है तो कम है तो फिर आपको ज़्यादा और लाना पड़ेगा बट इतने में तो आपका हंड्रेड परसेंट एग्जाम निकलेगा सो so, इसमें आप अबव सेवन तो ला ही सकते थे एट के ऊपर जिनने भी किया है इसमें आपने अच्छा किया है काफ़ी और परसेंटाइल तो डेफिनेटली आपका नाइन्टी के ऊपर ही होगा अगर इतना कर लिया है तो सो so, ठीक है इसमें कुछ ऐसे बताने लायक है नहीं नॉर्मल था ये एकदम जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं सो so, पैरा जंबल है अब लास्ट ठीक है तो जंबल अब हमें देखना है तो ये नॉर्मल वाला ही है फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस ऐसा ही पूछा है ठीक है तो देखते हैं पहला क्या आएगा दीज एक्सपर्ट तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता चीफ मिनिस्टर योगी मतलब कोई तो कुछ आया होगा पहले गेव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑफ लखनऊ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस डिसीज़ ये हो सकता है दीज वापस वर्ड आया तो ये भी नहीं होगा दिस टीम मतलब कुछ तो इंट्रोड्यूस हुआ होगा इससे पहले तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता ठीक है हैज़ ऑर्डर टू ensure द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू ड्रग्स तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता Along विथ it मतलब समथिंग कुछ तो इससे पहले आया होगा तो ये भी नहीं हो सकता तो हमें पता चल गया फर्स्ट सेंटेंस तो हंड्रेड परसेंट है ठीक है गेव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑफ एस जी पी जी आई लखनऊ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस डिजीज अब मुझे पता चल गया सेकेंड क्या है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस डिजीज़ तो ये देख सकते हैं हम दिस टीम ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स का टीम है इज मॉनिटरिंग द प्रोसीजर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस एंड डिसाइडिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एवरी पेशेंट ठीक है तो बी और डी उसके बाद क्या आएगा अभी ये दो ड्रग्स के बारे में बात की है तो मुझे इतना तो दिख रहा है कि सी में दो ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप देखोगे तो सी तो और ई e, ये दोनों तो पैर है इतना दिख रहा है सी और ई e, क्योंकि ये दो सेपरेट ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं ये दोनों और इधर बोला है एनश्योर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू ड्रग्स इन द स्टेट ठीक है बट पहले क्या आया है बी और डी सेकंड तो उसके बाद क्या आएगा

C, e ये पूरा ही पैर बन रहा है ठीक है तो बचा क्या एफ तो हो गया आंसर अभी हमारा ज्यादा कुछ नहीं करना है अब सीधा मार्क कर देना है बी डी ए फिर क्या था सी फिर फिफ्थ ई एंड एफ क्या था देखिए

ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है देखिए दिस टीम इज वो क्या करने वाले हैं वो था पहले फिर ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स का सजेशन सजेशन में क्या बोल रहे हैं ये चीज़ आया फिर फिर ये जो तो दवाई बोल रहे हैं ये लोग ड्रग्स उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने क्या जी ने क्या बोला अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू ड्रग्स और फिर लास्ट में जो बोला है गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कि इनके साथ इसका भी अच्छे से सप्लाई रखो सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ये वाला भी ठीक है अ फ्यू ईयर्स लेटर मतलब अनदर वुमन मतलब इससे पहले एक और वुमन का किसी का बात हुआ होगा ठीक है तो ये तो पहला नहीं होगा बिल गेट्स परस्यूड सेवरल वुमन इन हिज ऑफिस लोंग आफ्टर ही वेड लॉन्ग आफ्टर ही वेड हिज अस्ट्रेंज वाइफ मिलिंडन एंड तो बी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस इफ दिस मेक्स यू अनकंफर्टेबल प्रटेंट इट नेवर हैपेंड ठीक है तो सी तो नहीं होगा पहला सेंटेंस ये किसी का बात हो रहा है क्योंकि सम ऑफ द एम्प्लॉय सी गेट्स तो गेट्स का क्या बिहेवियर कुछ तो बिहेवियर के बारे में बात हुआ होगा तो अगर आप देखेंगे तो गेट्स बिहेवियर एज प्रेडेटरी नोटिंग इट क्लियर हाउ ठीक है तो ये भी पहला नहीं हो सकता है कुछ तो बिहेवियर का पहले बात हुआ होगा इन वन इंस्टेंस इन वन इंस्टेंट्स ठीक है मतलब कुछ बाद में ही ये ये भी पहला नहीं आ सकता है ठीक है आज तो पहला भी ही होगा फैस भी होगा परस्यूड सेवरल वुमेन इन हिज ऑफिस ठीक है उसके बाद अब सही है अब ये होगा ये चीज़ बोलने के बाद कि वो बहुत सेवरल वूमेन को परस्यू किया है उन्होंने इन हिज ऑफिस उसके बाद ये आएगा इन वन इंस्टेंस फॉलोइंग अ प्रेजेंटेशन बाई अ फीमेल माइक्रोसॉफ्ट गेट्स आज डर आउट टू डिनर ठीक है तो एक बार ऐसा हुआ ये बोल बी के बाद कि उन्होंने एक फीमेल एम्प्लॉय को डिनर के लिए पूछा ई फिर क्या आएगा फिर देखिए फिर यह चीज आएगा ये उसी के उसी फीमेल के बारे में बात हो रहा है इफ दिस मेक्स यू अनकम्फर्टेबल प्रिटेंड इट नेवर हैपेन्ड गेट्स ईमेल डे एम्प्लॉय ये किसके बारे में जिसको डिनर के लिए पूछा उसके बारे में ही बोले हैं तो सी उसके उसके बाद बाद क्या है उसके बाद अब ये आएगा अ फ्यू इयर्स लेटर अनदर वुमन हु वर्क फॉर गेट्स फिलेंट्रोफिक फाउंडेशन सेट डेट ही आज हर आउट ड्यूरिंग अ वर्क ट्रिप टू न्यूयॉर्क तो अब दूसरी वुमन को भी थोड़े साल बाद उन्होंने आस्क आउट किया बाहर के लिए ठीक है एंड अब बचा क्या डी तो ही बचा फिफ्थ सेंटेंस तो यही बिहेवियर को प्रेडेटरी बहुत एम्प्लॉयज़ ने नहीं माना कि वो प्रेडेटरी है वैसे ठीक है सो so, हो गया आई थिंक ये वाला हमने पहले भी किया है ये बिल वाला अब मुझे लग रहा है ये वाला नया था सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे फ्लो बनता है सेंटेंस का ये आप पढ़ोगे थोड़ा रीड करने लगोगे तो आपको अच्छे से आने लगेगा ये चीज़ सो so, आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने मेरा रैंक रहा है इसका मतलब काफ़ी लोगों ने इसमें फुल भी लाया है ठीक है सो so, फुल ही आया इसमें परसेंटाइल ठीक है अपना हो गया तो आई होप आपको समझ में आया होगा सीक्वेंस क्या फॉलो करना है सीक्वेंस कैसे सेंटेंस का बनाना है पैराजंबल में सीक्वेंस वर्ड्स देखिए वर्ड्स को थोड़ा मैच करने का ट्राई कीजिए पढ़ के ठीक है वर्ड्स मैच होते हैं बहुत बार वही पेयर्स बनते हैं सेंटेंस में जैसे मैंने दिखाया आपको सो आई होप इससे आपको हेल्प मिला होगा और आपने ये अटेम्प्ट किया होगा आप, आप भी बताइएगा आपको कितना आया अगर नहीं किया तो आप भी करके बताइए कितना आ रहा है कैसा था सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रैटेजीज एंड अपडेट्स एंड बट मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या करना है मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूँगा और क्विज़ेस के ऐसे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो उस पर भी डालता हूँ मैं सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड की प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली